हेलो गाइस, आज हम अलग तरह से टिंडे की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो टिंडे, 4 टमाटर, 2 प्याज, 6 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कली इनको लिया है। अब हम पहले टिंडे को कट कर लेंगे। हमने टिंडे को पहले ही वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। इस तरह से हम अपने सारे टिंडे कट कर लेंगे, हम इनका छिलका नहीं निकालेंगे। मैंने सारे टिंडे कट कर लिए हैं। अब हम प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने अपनी सारी सब्जी को कट कर लिया है। अब बनाते हैं हम अपनी इसकी सब्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब जो ये हमने टिंडे कट किए थे, ये सारे टिंडे इसमें डाल देंगे। इनको फ्राई होने देंगे। इनको बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे और एक साइड से कच्चे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टिंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये थोड़े थोड़े पक भी गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने सारे टिंडे निकाल लिए हैं। अब इस कढ़ाई में से हम ये एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल देंगे और ये जो हमने टिंडे निकाले हैं, इसको हम थाली को इस प्रकार थोड़ा सा उठाकर यहाँ से ऐसे रख देंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा ऑयल है ये बीच में आ जाए। देखिए इस तरह से ऑयल सारा निकलाएगा। अब हम इनको फ्राई करते हैं, इनकी सब्जी बना। मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और एक्स्ट्रा ऑयल को भी निकाल दिया है और इस ऑयल को हमने छान लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसको डालकर इसको भून लेंगे। जीरा भुनने के बाद अब ये प्याज भी डाल देंगे। ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसको भी डाल देंगे और जीरे को भून दें, प्याज को भून लेंगे। प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ढककर टमाटर को 2 मिनट तक पकने देंगे। टमाटर भी पक गए हैं। अब हम इसमें ये टिंडे डाल देंगे। देखिए ऑयल कितना सारा ऑयल निकला है। एक चम्मच हम किचन किंग मसाला डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें ये
एक चम्मच कसूरी मेथी इसको हम क्रश करके ये बीच में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तैयार है हमारी टिंडे की सब्जी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।